हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपका कोई अगर आपका पूछता है कि आपका चैनल का CTR कितना चल रहा है, तो हम इसको बोल देते हैं कि हमारा जो वीडियो का जो रेट होता है, जो उसी को बोल देते हैं कि इसको हम CTR बोलते हैं। तो मैं आज आपका सही CTR बताऊँगा कि आपका चैनल का सही CTR कैसे क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं आपको पहले मेरा जो चैनल का, यहाँ मैं आपका YouTube स्टूडियो में जाएंगे। स्टूडियो में जाने के बाद मैं थोड़ा आपको पहले YouTube स्टूडियो में जाएंगे और YouTube स्टूडियो में हम जाएंगे एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में जाने के बाद देखिए, हम यहाँ आ गए हैं। आने के बाद हमें यहाँ जो कोई हमको पूछता है कि हमारा CTR कितना चल रहा है, हम क्या बोलते हैं उसको, हम पहले आपको दिखाई देते हैं। देखिए, यहाँ कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में जाने के बाद देखिए, मैं एक वीडियो ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ। देखिए, इसका एनालिटिक्स में जाएंगे। देखिए, कोई अगर हमें पूछता है कि हमारा CTR कितना चल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, ना हम बोल रहे हैं यहाँ रीच, ओवरव्यू रीच, और आपका यहाँ देखिए इम्प्रेशन क्लिक थ्रो रेट, क्लिक थ्रो रेट CTR। ये जो CTR होता है, हम इसको बोल देते हैं कि हमारा चैनल में, हमारा वीडियो में ये हमारा 9.5% CTR चल रहा है। लेकिन मैं आपको बोल दूं, ये जो CTR है, ये इम्प्रेशन का CTR है, ये सही जो हमारा चैनल का CTR जो है, ये सही CTR नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सही CTR आप कैसे पता करेंगे। हम जानते हैं, अगर हमारा जो चैनल है अभी अगर मोनेटाइजेशन हुआ है, तो हमें CTR को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा CTR अगर 15% से ज़्यादा हो जाता है, 15% से ज़्यादा हो जाता है, तो हमें प्रॉब्लम आ सकता है। हमारा जो एडसेंस अकाउंट है, ये डिसेबल हो सकता है, हमारा जो पेमेंट जो है वो रुक सकता है। मैं आपको इसके लिए, आपका CTR जानना बहुत ज़रूरी है, आप कैसे इसको मेंटेन करेंगे और 10 के अंदर कैसे रखेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम इसको साइन आउट कर देते हैं। साइन आउट करने के बाद हम जाएंगे एडसेंस अकाउंट में। सही CTR जानने के लिए हम जाएंगे एडसेंस अकाउंट में। जाने के बाद देखिए, ये मेरा एडसेंस अकाउंट यहाँ मैं ओपन करूँगा, इसके लिए साइन इन कर लेंगे। तो मैं आपको बताऊँगा, ये अभी खुल गया है। देखिए, ये जो मैसेज अभी आ रहा है, मैं थोड़ा आपको बोनस टिप्स देना चाहूँगा। वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस, अगर हम पहले हमारा आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका आधार कार्ड हुआ, आपका पैन कार्ड हुआ, आपका वोटर आईडी कार्ड हुआ, जो भी गवर्नमेंट एक आईडी हमको देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ, इसको एडिट नहीं किया हूँ, तो इसलिए मैं इसको छोड़ा नहीं हूँ। तो इसलिए ये जो इसके बाद आइडेंटिटी वेरीफाई करने के बाद ये वेरीफाई होगा। आपका जो एड्रेस वेरीफाई करने के लिए एक हमारे यूट्यूब से एक खत आएगा, इसमें हमारा जो पिन रहेगा, मैं आपको एक दूसरा वीडियो में आपको बताऊँगा। 10-12 दिन 15 दिन के अंदर मेरा आ जाएगा। देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है, योर पेमेंट्स आर करेंटली ऑन होल्ड। मेरा पेमेंट जो होल्ड किया हुआ है, क्योंकि बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस, हमने एड्रेस वेरीफाई नहीं किए हैं, इसलिए हमारा ये जो पेमेंट है ये शो नहीं कर रहा है, ये वेरीफाई मेरा नहीं हुआ है एड्रेस। तो जब ये पिन आ जाएगा, मैं वेरीफाई कर लूँगा। तो हम आपको बताएंगे इससे आपका CTR कैसे आप पता करेंगे, सही CTR। देखिए, यहाँ हम आ गए हैं होम पे। होम पे आने के बाद हम जाएंगे रिपोर्ट में। देखिए, यहाँ रिपोर्ट में क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ नीचे आएंगे, अगर आएंगे तो यहाँ आएगा। देखिए, यहाँ ऑल रिपोर्ट्स लिखा हुआ है, डिफॉल्ट रिपोर्ट्स, एंटायर अकाउंट बाय डे, साइट्स, कंटेंट्स, प्लेटफॉर्म, कंट्रीज, एड यूनिट्स, प्लेटफॉर्म्स, प्रोडक्ट्स, एंटायर अकाउंट बाय वीक, एंटायर अकाउंट बाय मंथ, कस्टम चैनल्स, ये सारा ऑप्शन यहाँ आ रहा है। हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे ना, आपका ये जो देखिए प्रोडक्ट्स, इसको आप क्लिक करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स को आपको क्लिक करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स क्लिक करने के बाद ये आपका पेज खुल जाएगा। खुल जाने के बाद देखिए, मेरा अभी मोनेटाइजेशन हुआ है, ये देखिए, ये एस्टिमेटेड अर्निंग 0 दिख रहा है, $0, क्योंकि ना मेरा एड्रेस जो है वेरीफाई अभी नहीं हुआ है, यहाँ भी
अब मैसेज आ रहा है, आप देख रहे हैं। देखिए ये है ओवरव्यू, ओवरव्यू के बाद क्लिक, इसके बाद व्यू, इसके बाद एक्टिव व्यूज, इसके बाद एंगेजमेंट, एडसेंस, कस्टम। आप क्या करें, क्लिक को आप क्लिक करेंगे, क्लिक्स। एक क्लिक से क्लिक करने के बाद एक क्लिक थ्रो रेट, देखिए हमारा जो CTR है 6.07, ये बहुत अच्छा CTR मेरा चल रहा है। तो इसलिए ये जो CTR है, ये देखिए ये CTR कैसे पता चलता है, जो इम्प्रेशन और क्लिक्स ऐसे करके ये CTR निकलता है। ये मेरा 6.07 है। अगर आपका अभी अभी मोनेटाइजेशन हुआ है तो आप ऐसे करके आप एडसेंस अकाउंट ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप जाएंगे प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स में जाने के बाद आपका ये जो ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ आपका जो क्लिक्स को आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ CTR, देखिए यहाँ CTR, यहाँ जो CTR है मेरा 6.07 है। ऐसे करके आपका जो CTR आप चेक कर सकते हैं, यहाँ CTR 6.07 मेरा CTR चल रहा है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो मोनेटाइजेशन हो गया है तो मैं क्या करूँगा, मैं गिव अवे करना चाहूँगा। हर महीना एक गिव अवे करना चाहूँगा और ये वीडियो मेरा हर महीना आएगा। तो इसीलिए मेरा जो आपका जो चैनल है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा जो वीडियो आएगा, किसी वीडियो में मेरा गिव अवे चलेगा मैं आपको बता दूंगा। इसलिए आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो ऐसे करके मेरा जो आपका पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेरा गिव अवे में। तो ये था छोटा सा वीडियो। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा, और तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो। तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय हिंद।